हेलो एवरीवन, जीत आईएएस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं नरगिस जहां जीत आईएएस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करती हूं। जीत आईएएस लेके आया है आपके लिए करंट अफेयर सीरीज। जैसा कि आप जानते हैं कि करंट अफेयर सभी तरीके की प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और उनको सही से हल करने के लिए बेहद ज़रूरी है कि आपको उसकी सही नॉलेज हो। इसीलिए हमने ये सीरीज शुरू की है और ये सीरीज अगस्त मंथ से स्टार्ट की जाएगी, देन सेप्टेम्बर, देन अक्टूबर। अगस्त मंथ में हम लोग 3 वीडियोस लेके आएंगे, मतलब 3 क्लासेस हम लेके आएंगे। पहली क्लास में हम 1 से 10 तक के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे, दूसरे में हम 11 से लेके 20 तक के करंट अफेयर को कवर करेंगे और आखिरी क्लास में हम 31 तक कवर करेंगे। इन तीनों वीडियोस में आपका पूरे मंथ का करंट अफेयर खत्म हो जाएगा और इस मंथ से आए हुए सभी प्रश्नों का जवाब आप आसानी से दे पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। तो आइए देखते हैं अगस्त के करंट अफेयर। ये करंट अफेयर जो है ये 1 से 10 अगस्त के बीच के हैं। इनसे पहले हम लोग जो पिछले पेपर्स हुए हैं उनमें जो क्वेश्चन आते हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं, उन्हें हम लोग एक बार देख लेते हैं। पहला जो क्वेश्चन मेरे सामने है वो है कि द फेमस गंगा सागर मेला इज हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। प्रसिद्ध गंगा सागर मेला निम्न में से किस भारतीय राज्य में आयोजित किया जाता है? ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फिल्म वॉन गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 फॉर द बेस्ट मोशन पिक्चर ड्रामा। यानी कि निम्नलिखित में से किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ चलचित्र ड्रामा के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 जीता। ये दोनों ही प्रश्न 2022 में हुए हुए पेपर में आए हैं, तो आप कोशिश करिए कि इन प्रश्नों का जो जवाब है आप कमेंट सेक्शन में लिख सके। ठीक है, सबसे पहला करंट अफेयर जो हमें देखना है वो है हमारे 14th वाइस प्रेसिडेंट कौन है, हमारे 14वें उपराष्ट्रपति कौन है, जगदीप धनखड़। तो क्वेश्चन कैसे बन सकता है आपके एग्जाम में कि हमारे 14वें जो वाइस प्रेसिडेंट है वो कौन है? तो हमें लगाना है कि वो जगदीप धनखड़ है। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी है। बाकी जो है वो है वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड जो भी स्टैटिक चीजें हैं वो ध्यान में रखनी है। जैसे कि मैं जल्दी जल्दी यहाँ पे आपको बता देती हूँ उससे रिलेटेड चीजें। पहला है कि वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, योग्यता क्या होनी चाहिए। ठीक है, पहली योग्यता तो यही है कि सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, यानी नागरिकता होनी चाहिए किसकी, भारत की। ठीक है, दूसरी कि 35 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए। तीसरा कि वो क्वालिफाइड होना चाहिए किस चीज के लिए, राज्यसभा के मेंबर बनने के लिए। ठीक है, चौथा है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, धारण किया हुआ नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये हो गई योग्यता। अब आता है कि उन्हें इलेक्ट करने का काम कौन करता है। ठीक है, उन्हें इलेक्ट करने का काम करता है इलेक्टोरल कॉलेज, जिसे हम निर्वाचन मंडल भी बोलते हैं। ठीक है, इलेक्टोरल कॉलेज में सबसे पहली बात तो ये है कि आर्टिकल जो 66 है संविधान का, उसमें ये बात मेंशन है कि वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट कौन करते हैं, इलेक्टोरल कॉलेज करेगा। अब इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन आता है, पहला तो सारे के सारे जो इलेक्टेड मेंबर हैं, एमपीज हैं, किस किस के, इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा और इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा। सही है, दूसरा नॉमिनेटेड मेंबर होने चाहिए, पर किसके, सिर्फ राज्यसभा के, समझे आप, सिर्फ राज्यसभा के नॉमिनेटेड मेंबर होने चाहिए। तो ये है इलेक्टोरल कॉलेज। अब अगर हम कुछ और इंफॉर्मेशन की बात करें वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड, तो पहला यही कि वाइस प्रेसिडेंट का जो ऑफिस होता है वो सेकंड हाईएस्ट ऑफिस है,
ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा है, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है, संवैधानिक पद है। दूसरा, 5 साल का कार्यकाल होता है, पर तब तक वो ऑफिस कंटिन्यू कर सकते हैं जब तक जो नए वाइस प्रेसिडेंट हैं वो ऑफिस धारण ना कर ले। ठीक है, आगे अगर हम देखें तो वाइस प्रेसिडेंट को शपथ कौन दिलाता है? प्रेसिडेंट। ठीक है, तो जैसे कि इस न्यूज में जगदीप धनखड़ जी ने, जो हमारे 14th वाइस प्रेसिडेंट बने हैं, ठीक है, उनको शपथ किसने दिलाई होगी? हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने। ठीक है, हमारी प्रेसिडेंट जी ने इन्हें शपथ दिलाई होगी। आगे अगर हम देखें तो अगर वाइस प्रेसिडेंट को रिजाइन करना है, ठीक है, तो वो कैसे करेंगे? वो अपना रेजिग्नेशन जो है, ठीक है, त्याग पत्र जो है, वो प्रेसिडेंट को सौंपेंगे। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को अपना त्याग पत्र सौंपने के बाद ही वाइस प्रेसिडेंट रिजाइन कर सकता है। तो ये सारी की सारी जो स्टैटिक इंफॉर्मेशन है वो मैंने लिख दी है, जो इस पर्टिकुलर न्यूज से रिलेटेड है। ठीक है, इसके आगे पीछे ज्यादा कुछ अपने को याद नहीं रखना है, इतना ही काफी है। इसके बाद 80 साल पूरे हो चुके हैं किसे? क्विट इंडिया मूवमेंट को, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन को 80 साल पूरे हो चुके हैं। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है, ठीक है, वो आपका हिस्ट्री का पार्ट है, इतिहास में आपने पढ़ा ही है। ठीक है, तो आप उसको वहां से कवर कीजिए। ये इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इसको 80 साल पूरे हो गए हैं। ठीक है, तो आपको इसे और अच्छे से अपने इतिहास में पढ़ना है। थोड़ी बहुत चीजें जो मैं इसमें यहाँ पर बता देती हूँ वो ये है कि इसको अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। ठीक है, बाकी ये 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। गांधी जी के जो तीन बहुत प्रमुख आंदोलन हैं, उनमें से एक है क्विट इंडिया मूवमेंट। ये तो आपको पता ही होगा, आपने इतिहास में पढ़ा है। ठीक है, हम यहाँ ज्यादा अंदर तक नहीं जाएंगे, ज्यादा डीप नहीं जाएंगे। हमारा यहाँ पे जो मेन काम है वो करंट पढ़ने का है। पहला जो अपना इन तीन प्रमुख आंदोलनों में से जो पहला आंदोलन है वो रहा था असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन। दूसरा जो है वो है सविनय अवज्ञा आंदोलन। तीसरा भारत छोड़ो आंदोलन, प्रमुख आंदोलनों में से एक है। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन है, एक आध और हम जोड़ लेते हैं कि इसी आंदोलन में गांधी जी ने डू और डाई का नारा दिया था, करो या मरो। बाकी आप इसको अपने हिस्ट्री के पोर्शन यानी इतिहास में जब आप पढ़ोगे तो इसे और अच्छे से पढ़ना, अपने इतिहास की जो बुक है आप उसमें से अच्छे से मार्क कर देना, क्योंकि इसको 80 साल पूरे हो गए हैं। बस ये हमें करंट के हिसाब से याद रखना था। 50 करोड़ फॉर चीता रिलोकेशन, ठीक है, चीतों के पुनर्वास के लिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने 50 करोड़ की धनराशि दी है। जैसा कि हमें पता है क्योंकि ये अगस्त का करंट अफेयर है, सितंबर में 8 चीते आ भी चुके हैं इंडिया में, है ना? तो वो हम लोग सितंबर में पढ़ेंगे जब हम सितंबर का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। अगस्त की अगर हम बात करें तो अगस्त में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने अंतर महाद्वीपीय पुनर्वास के लिए यानी ट्रांस कॉन्टिनेंटल पुनर्वास रिलोकेशन, ठीक है, ट्रांसकॉन्टिनेंटल रिलोकेशन के लिए राष्ट्रीय राष्ट्रीय
बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, प्राधिकरण के साथ समझौता किया है। ठीक है, अब ये पहली बात तो यही कि ये चीते आएंगे कहाँ से। अब 8 चीते हमारे वहां आ भी चुके हैं, तो ये चीते आ रहे हैं नमीबिया से। नमीबिया नमीबिया, ठीक है, और साउथ अफ्रीका से यानी दक्षिण अफ्रीका से, यहाँ से ये चीते आएंगे। ठीक है, 50 करोड़ रुपए की धनराशि देने की बात की गई है। और ये चीता रिलोकेशन जो प्रोग्राम है, ठीक है, वो कहाँ होगा? तो हमें याद रखना है एमपी में यानी मध्य प्रदेश में जो कूनो नेशनल पार्क है, कूनो नेशनल पार्क, वहां पे ये चीते रखे जाएंगे। और ये 8 चीते वहीं आए हैं जो सितंबर में, अभी आपने पढ़े होंगे हाल ही में कि 8 चीते आए हैं, तो वो कूनो नेशनल पार्क में रखे गए हैं। बस हमको अगस्त के जो इस करंट अफेयर से हमें जो लेना है वो ये लेना है कि ये जो समझौता है वो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के बीच में हुआ है, यानी राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के बीच में हुआ है। ठीक है, सिर्फ ये याद रखना है। दूसरी चीज हमें कहाँ से आ रहे हैं, ठीक है, नामीबिया साउथ अफ्रीका, कहाँ पे कोनो नेशनल पार्क कहाँ है? एमपी में। ठीक है, मात्र ये इन्फॉर्मेशन हमको इस करंट अफेयर से याद रखनी है, बाकी हम सितंबर में पढ़ेंगे आराम से। आरबीआई प्रपोजेस टू अनेबल बीबीपीएस टू एक्सेप्ट क्रॉस बॉर्डर इनबोर्ड पेमेंट। आरबीआई जो है उसने बीबीपीएस को, ये जो सिस्टम है, ठीक है, भारत बिल पे सिस्टम, इसको स्वीकार कर लिया है। किस चीज़ के लिए? सीमा पार जो भी बिल का भुगतान है वो इसके द्वारा किया जा सकेगा। ठीक है, तो ये प्रस्ताव अभी रखा गया है। ठीक है, और इससे क्या होगा, ये किस चीज़ के लिए है? ये जो है ये सिस्टम एनआरआई नॉन रेजिडेंट इंडियंस उनको हेल्प करेगा। वो जो भी बिल पेमेंट में उन्हें परेशानी आती है, ठीक है, उसमें हेल्प करेगा अगर ये जो सिस्टम है वो एक्सेप्ट कर लिया जाता है। ठीक है, ये अगस्त का न्यूज़ है, इससे रिलेटेड जो अपडेट हुई हैं, ठीक है, वो आपके आपको आगे आने वाले जो मंथ हैं उनमें बता दिया जाएगा। पहले हम इसमें जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो सिर्फ यही है कि एक तो बीबीपीएस सिस्टम का आरबीआई ने प्रपोज किया, वो याद रखना है। किसने किया है? आरबीआई ने किया है। ठीक है, अब ये बीबीपीएस होता क्या है वो सिर्फ हम थोड़ा बहुत जान लेते हैं, उससे ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। पहली बात तो ये किसने कंसेप्चुलाइज्ड किया है? सेंट्रल बैंक ने अपने। ठीक है, दूसरा इसे ओन और ऑपरेट कौन करता है, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे ओन यानी ओन और ऑपरेट कौन करता है? इसे ओन और ऑपरेट करने का काम एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसका काम है। ठीक है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इसको ओन और ऑपरेट करने का काम करती है। ये जो बीबीपीएस सिस्टम है इससे क्या होता है, इससे बिल पेमेंट, ठीक है, डिजिटली जो बिल पेमेंट है वो इजी हो जाता है। इसके साथ ये हमें कौन कौन से बिल इनसे पे किए जा सकते हैं, चाहे आपका इलेक्ट्रिक बिल हो, चाहे आपका डीटीएच बिल हो, ठीक है, चाहे आपकी एजुकेशन फीस हो, ठीक है, लोन रीपेमेंट हो, ये सारे के सारे काम इस सिस्टम के द्वारा किए जा सकते हैं। बाकी इस सिस्टम में कौन कौन से मोड हैं जिनसे ये बिल पे किया जा सकते हैं, वो है कैश भी है, आप कैश के थ्रू कर सकते हो, कार्ड के थ्रू कर सकते हो, यूपीआई के थ्रू कर सकते हो। ठीक है, ये सारे के सारे मोड हैं जिनसे आप इसमें बिल पे कर सकते हो, राइट। तो ये रहा हमारा बीबीपीएस सिस्टम, ये आरबीआई ने प्रपोज किया है, और बाकी जो इससे अपडेट है, रिलेटेड अपडेट, वो आपको आगे वाले करंट अफेयर में मिलेगी।
हमारा जो नेक्स्ट करंट अफेयर है वो है कि औरंगाबाद भारत का पहला शहर बन चुका है जिसने ईआईई डेटा को पब्लिश किया है। पहले तो ईआईई क्या है वो देख लेते हैं। ईआईई है एनवायरमेंटल इनसाइट एक्सप्लोरर, ये डेटा है, इसको पब्लिश करने वाला पहला शहर बन चुका है, सही है। अब हमें इसमें कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं, वो हम यहाँ लिख देते हैं। पहला पॉइंट ये कि इस ईआईई डेटा को, मतलब ये जो डेटा है इसकी सुविधा कौन प्रोवाइड कर रहा है, कौन दे रहा है? गूगल। गूगल ने इन शहरों को ये सुविधा प्रोवाइड की है, सही है। तो ये किस चीज़ के लिए है? असल में ईआईई है क्या, ये एक डेटा सोर्स है, ठीक है। ये एक प्लेटफॉर्म है जहां पर जो सिटीज हैं वो मेजर कर सकती हैं, ठीक है। इसमें ये जो सिटीज हैं वो मेजर कर सकती हैं कि कितना कार्बन उत्सर्जन हुआ है या कार्बन एमिशन हुआ है, या फिर क्या स्ट्रैटेजीज या उपाय करे जा सकते हैं जिससे जो एमिशन है उसे कम किया जा सके, ठीक है, रिड्यूस किया जा सके, कम किया जा सके। तो ये टूल जो है गूगल ने डेवलप किया है, ठीक है, ये क्लाइमेट डेटा में हेल्प करेगा, ठीक है, और एक सस्टेनेबल एंड कार्बन मुक्त भविष्य प्रोवाइड करेगा। तो ये इससे रिलेटेड न्यूज हुई। हमको सिर्फ ये याद रखना है कि पहला शहर कौन बना है, वो है औरंगाबाद। करंट अफेयर हमारा जो है वो है कि पीएम टू इनॉग्रेट श्रीमद रामचंद्र मिशन का लोकार्पण किया गया है। इसमें जो हमें याद रखना है, पहली चीज़ तो हमें यही याद रखनी है कि ये मिशन कहाँ स्टार्ट हुआ, तो गुजरात से इस मिशन को स्टार्ट किया गया है, इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया है, और गुजरात के जो धर्मपुर जगह है वहाँ पर इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया है। इसके अंदर हमें सिर्फ ये याद रखना है कि जो मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल्स, ठीक है, इस मिशन के अंदर एक जो चीज़ आती है वो आती है श्रीमद रामचंद्र हॉस्पिटल बनाया जाएगा। ये मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है, ठीक है, और 250 बेड का ये हॉस्पिटल है जो कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। बेसिकली हमें इसमें जो याद रखना है, जो आपके क्वेश्चन आते हैं वो यूजुअली ये आते हैं कि कोई भी मिशन है या कोई भी योजना है जो किसी स्टेट स्पेसिफिक है, सिर्फ ये पूछा जाता है कि ये स्कीम कहाँ से स्टार्ट करी गई। तो सिर्फ आपको ये याद रखना है कि श्रीमद रामचंद्र मिशन गुजरात से शुरू हुआ, उसका फाउंडेशन स्टोन गुजरात में रखा गया, बस इतना ही इम्पोर्टेंट है इससे रिलेटेड। फिर वो है कि हरियाणा जो गवर्नमेंट है उसने लॉन्च किया है चिराग स्कीम हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई है। तो जैसे कि मैंने बताया था कि स्टेट स्पेसिफिक जो भी करंट अफेयर आएंगे उसमें हमें क्या याद रखना है, स्कीम और किस स्टेट से रिलेटेड है, ये बहुत ज़रूरी है, इस तरीके के प्रश्न बनते हैं, ठीक है। बस इस स्कीम के अंदर मैं थोड़ा बहुत बता देती हूँ कि ये स्कीम क्या है। इस स्कीम के अंदर मुफ्त शिक्षा की बात की गई है, फ्री एजुकेशन की बात की गई है, किसके लिए, EWS कैटेगरी के जो स्टूडेंट हैं उन्हें फ्री शिक्षा मिलेगी, कहाँ पर, प्राइवेट स्कूल्स में भी, ये इम्पोर्टेंट है कि प्राइवेट स्कूल्स में उन्हें फ्री शिक्षा दी जाएगी, ठीक है। चिराग स्कीम की अगर हम बात करें तो चिराग का मतलब है चीफ मिनिस्टर
चीफ मिनिस्टर इक्वल एजुकेशन रिलीफ असिस्टेंस ग्रांट, ठीक है। बाकी ये स्कीम में हमको ज़्यादा तो कुछ अंदर तक नहीं पढ़ना है क्योंकि ये हरियाणा से रिलेटेड है। हमको सिर्फ ये याद रखना है कि स्कीम कोई भी स्कीम किस स्टेट से रिलेटेड है बस। बाकी इसमें जो भी बच्चे हैं वो प्राइवेट स्कूल में एनरोल कर सकते हैं 2 से लेके 12 तक, 12 तक कि किसी भी क्लास में वो लोग एनरोल कर सकते हैं, ठीक है। और इसके लिए जो एलिजिबिलिटी है, योग्यता है, वो ये है कि जो माता पिता की आय है वो 1.8 लाख से कम होनी चाहिए, ठीक है। तो बस इतना ही जानकारी हम रखते हैं। बस आप स्कीम याद रखिए, स्कीम से रिलेटेड स्टेट याद रखिए, इतना ही काम। हमने अभी पढ़े सारे के सारे नेशनल करंट अफेयर, और अब हम आ चुके हैं साइंस एंड टेक पे, यानी कि हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले करंट अफेयर्स पे। ऐसे ही इस पूरी सीरीज़ को कई सारे पार्ट्स में बांटा गया है, ठीक है। आप सारे नेशनल करंट अफेयर्स को एक बार और रिवाइज़ कर लीजिएगा, ठीक है। जो भी इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है उसे नोट डाउन कर लीजिएगा। अब है साइंस एंड टेक। साइंस एंड टेक में जो हमारा पहला है करंट अफेयर वो है अल्फा फोल्ड जो है वो प्रिडिक्ट कर सकता है, वो भविष्यवाणी कर सकता है सारे के सारे ऑलमोस्ट एवरी प्रोटीन के स्ट्रक्चर की, ठीक है, कि प्रोटीन का स्ट्रक्चर कैसा होगा, ठीक है, उसको बता सकता है अल्फा फोल्ड, ठीक है। इसमें सिर्फ दो तीन जो बातें हैं वो हमें याद रखनी है। पहला तो ये कि जो डीप माइंड टेक्नोलॉजीज हैं, ठीक है, डीप माइंड टेक्नोलॉजीज जो हैं वो यूज़ की गई हैं, ठीक है, इस अल्फा फोल्ड के लिए। ये अल्फा फोल्ड जो है ये एक एआई टूल है, ठीक है, ये एक एआई टूल है जो प्रिडिक्ट करता है यानी भविष्यवाणी करता है और पब्लिश करता है क्या, प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स को, ठीक है, कि कैसा स्ट्रक्चर होगा किस प्रोटीन का, फाइन। ये किस लिए इम्पॉर्टेंट है अगर हम देखें तो असल में ये जो चीज़ है ये अपॉर्चुनिटीज़ ओपन करती है। जो भी रिसर्चर्स हैं वो इसका इस्तेमाल करके प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स का पता लगा सकते हैं, ठीक है, और जो कई सारे इश्यूज़ हैं, ठीक है, उनको रिजॉल्व कर सकते हैं, फाइन। इसमें किस किस चीज़ का जो प्रोटीन स्ट्रक्चर है वो प्रिडिक्ट किया जा सकता है, चाहे प्लांट हो, एनिमल हो, बैक्टीरिया हो या कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, ठीक है, तो इन सब का प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रिडिक्ट किया जा सकता है। तो सिर्फ हमें इतना याद रखना है अल्फा फोल्ड है क्या, ये एआई टूल है, ठीक है, जिसका इस्तेमाल प्रोटीन के स्ट्रक्चर को पता करने में किया जाता है, बस। हमारा जो नेक्स्ट करंट अफेयर है साइंस और टेक से रिलेटेड वो है कि साउथ कोरिया जो है वो अपना पहला स्पेसक्राफ्ट जो है वो मून पर भेज चुका है, ठीक है। साउथ कोरिया ने अपना पहला जो मून मिशन है वो शुरू कर दिया है, ठीक है। इसमें साउथ कोरिया की मदद किसने की है पहले वो देख लेते हैं, और उससे भी पहले हम ये देख लेते हैं कि इस मिशन का नाम क्या है। इस मिशन का नाम उन्होंने रखा है धनुरी, धनुरी साउथ कोरियाई नाम है, और इसका मतलब होता है चंद्रमा का आनंद लेना, ठीक है, चंद्रमा का आनंद लेना। धनुरी जो मिशन है ये उसने किसकी मदद से स्टार्ट किया है, स्पेस एक्स की मदद से। स्पेस एक्स में का जो फाल्कन 9 रॉकेट है उसने इसे फ्लोरिडा से लॉन्च किया है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा साउथ कोरिया का जो मून मिशन है उसकी बात, ठीक है। बाकी जो इसका काम है इस मिशन का वही है जो यूजुअली रहता है। इसका काम है कि जो ऑर्बिटर
इसका जो काम है वो है पानी, ठीक है, या फिर यूरेनियम, हीलियम आदि संसाधनों की मौजूदगी को देखना। कहाँ पर? मून पर। मून पर ये चीजें अवेलेबल हैं या नहीं, इस चीज को मॉनिटर करेगा ये मिशन। तो सिर्फ इतना ही है, साउथ कोरिया अपना पहला मिशन भेज चुका है। अगला जो करंट अफेयर है हमारे सामने वो है कि चाइना ने लॉन्च किया है रीयूजेबल एक्सपेरिमेंटल स्पेस क्राफ्ट। चाइना का ये जो रीयूजेबल एक्सपेरिमेंटल स्पेस क्राफ्ट है, इसे लॉन्ग मार्च, लॉन्ग मार्च 2F रॉकेट से लॉन्च किया गया। तो इसमें सिर्फ हमें ये बात ध्यान रखनी है कि रीयूजेबल एक्सपेरिमेंटल स्पेस क्राफ्ट किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? चाइना के द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है, बस इतनी सी बात हमको याद रखनी है, ये इसमें इम्पोर्टेंट है। बाकी इसमें कुछ ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ये जो स्पेस क्राफ्ट है ये लो अर्थ ऑर्बिट में रखा जाएगा, लो अर्थ ऑर्बिट में रखा गया है, तो आप ये याद रखिएगा, चाइना ने रीयूजेबल एक्सपेरिमेंटल स्पेस क्राफ्ट लॉन्च किया। अब हम आ गए हैं डिफेंस के करंट अफेयर्स पे, तो एक बार हम डिफेंस के करंट अफेयर्स देख लेते हैं। पहला जो है जॉइंट एक्सरसाइज, जॉइंट एक्सरसाइज एक्सरसाइज विन बैक 2022 विद वियतनाम पीपल्स आर्मी टू कम इन एट चंडी मंदिर, ठीक है। तो एक्सरसाइज विन बैक, हमें इसमें कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं जो इम्पोर्टेंट है हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। पहला तो ये कि ये एक्सरसाइज किस किस के बीच में है, विन बैक, ठीक है, ये एक्सरसाइज है वियतनाम के बीच में और इंडिया के बीच में, ठीक है, वियतनाम और इंडिया। तो विन बैक को कैसे लिख सकते हैं? वियतनाम, इंडिया, बाइलेटरल आर्मी एक्सरसाइज, ठीक है। इसमें जो हमें याद रखना है एग्जाम पर्सपेक्टिव से वो ये है कि इसकी थीम क्या थी, इसकी थीम क्या थी, मैं आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में बताती हूँ इसकी थीम। इसकी थीम थी शांति स्थापना कार्यों के लिए संयुक्त राष्ट्र दल के हिस्से के रूप में एक इंजीनियर कंपनी और एक चिकित्सा दल का रोजगार और तैनाती, ठीक है। इंग्लिश में है एम्प्लॉयमेंट एंड डेप्लॉयमेंट ऑफ एन इंजीनियर कंपनी एंड अ मेडिकल टीम अंडर यूनाइटेड नेशन कंटिंजेंट फॉर पीस कीपिंग ऑपरेशन, ठीक है, थीम सुन ली आप लोगों ने, तो ये थी इसकी थीम। बाकी वियतनाम और इंडिया के आपसी रिश्तों में मजबूती लाना और बेहतर करना, ठीक है, ये तो उसके काम रहते ही हैं। तो जो हमें एग्जाम पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट था, एक था थीम और दूसरा कि ये एक्सरसाइज किन दो कंट्रीज के बीच में है, ठीक है, तो वो हमें याद रखना है। अब हम आते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा डिफेंस का जो करंट अफेयर है वो है कि डीआरडीओ ने सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया है इंडिजीनियसली डेवलप्ड लेजर गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। ATGM जो है वो है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। सबसे पहली बात तो जो कुछ पॉइंट्स हमें याद रखने हैं इसमें वो ये है कि DRDO और इंडियन आर्मी का ये जॉइंट इनिशिएटिव है, उन्होंने मिलकर इसे लॉन्च किया है। दूसरा कि एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जो है वो किससे लॉन्च किया गया है? मेन बैटल टैंक अर्जुन,
इसे लॉन्च किया गया है। कहाँ से लॉन्च किया गया? महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में ये हुआ है। बाकी जो हमें याद रखना है वो याद रखना है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के बारे में। तो ये तो सारी जो करंट इन्फॉर्मेशन है वो मैंने दे दी है। बाकी जो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का काम क्या होता है, इसमें ऑलरेडी लिखा है कि ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, ठीक है। ये मिसाइल का यूज़ जो मिलिट्री व्हीकल्स होते हैं, ठीक है, आर्मर्ड मिलिट्री व्हीकल्स होते हैं, उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए किया जाता है। आर्मर्ड मिलिट्री व्हीकल्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। इसमें एक और जो चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि ये स्वदेश निर्मित है, ठीक है, स्वदेशी है। यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंडिजीनियसली डेवलप्ड है, यानी कि ये स्वदेशी है, ये और याद रखिएगा। बाकी ये जो गाइडेड मिसाइल है ये लेज़र गाइडेड है, ठीक है, और ये पूरी तरीके से इंडिजीनियसली डेवलप्ड है। इसमें एक और चीज़ जो कंप्राइजेज है इस लेज़र गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल में वो ये है कि इसमें एक वॉर हेड है, ठीक है। वॉर हेड का नाम क्या है? हीट। हीट हीट मतलब हाई एक्सप्लोजिव एक्सप्लोसिव एंटी टैंक एंटी। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है इस पर्टिकुलर न्यूज़ के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर है वो है कि इंडियन आर्मी कंडक्ट एक्सरसाइज स्काईलाइट, एक्सरसाइज स्काईलाइट टू टेस्ट सैटेलाइट कम्युनिकेशंस। यानी कि जो हमारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं वो इंडियन आर्मी के लिए कैसे काम करती हैं, और जो हमारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स की क्षमता है बेसिकली, उनको मापने के लिए ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज की गई है। हमारे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से हमें ये याद रखना है कि ये एक्सरसाइज कराई किसने है और किसने कंडक्ट की है बेसिकली। तो हमें याद रखना है कि इसे इंडियन आर्मी ने कंडक्ट किया है, और ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स की क्षमता को मापने के लिए पर्टिकुलर एक्सरसाइज है, ठीक है। बाकी इसमें जो याद रखना है, हमें पता ही है कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट इंडियन आर्मी कैसे यूज़ करती है उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये जो रिमोट बॉर्डर एरियाज़ होते हैं उनमें एक्सेस के लिए इन कम्युनिकेशन सैटेलाइट का इस्तेमाल किया जाता है। बाकी इनका इस्तेमाल जो है वो और भी जगहों पर किया जाता है। बाकी जो विरोधी हमले वाली जगहें होती हैं, ठीक है, उनमें उनकी जाँच पड़ताल के लिए, ठीक है, उनके बारे में जानकारी लेने के लिए भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो हमें सिर्फ अपने पॉइंट ऑफ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें सिर्फ ये चीज़ें याद रखनी है। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा करंट अफेयर है वो है कि इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया है हिम ड्रोन अथॉन प्रोग्राम। ये जो प्रोग्राम है ये इंडियन आर्मी ने स्टार्ट किया है, और इसे किसके साथ मिलकर स्टार्ट किया है इंडियन आर्मी में? इसे ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर स्टार्ट किया है। ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसके साथ मिलकर ये कार्यक्रम किया गया है। दूसरा, इस प्रोग्राम का जो मेन एम है वो है कि जो हमारा मेक इन इंडिया इनिशिएटिव है, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव है किसमें? डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में हमारा जो मेक इन इंडिया का इनिशिएटिव है उसको मजबूत करना, साथ ही साथ इंडिया का जो ड्रोन इकोसिस्टम है, इंडिया का जो ड्रोन इकोसिस्टम है उसे बूस्ट करना, साथ ही साथ ड्रोन की कैपेबिलिटीज को बिल्ड करना, जिससे जो फ्रंट लाइन हमारी ट्रूप्स हैं वो उसका सही से इस्तेमाल कर सके, ठीक है। इंडियन आर्मी का मानना है, वो इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं कि जो इंडिजीनियसली बिल्ट ड्रोन होते हैं वो ज़्यादा अच्छे हैं कंपेयरिंग टू जो बेस्ट अवेलेबल हैं ग्लोबली। तो इंडिजीनियस
ड्रोन को बढ़ावा दिया है इस हिम ड्रोन अथॉन में। हमको सिर्फ जो मेन चीज़ याद रखनी है वो ये है कि इसे किया किसने है भाई, इंडियन आर्मी ने इसे किया है, ठीक है। ये आप अब हमारे जो नेक्स्ट करंट अफेयर सेक्शन है वो है इंटरनेशनल करंट अफेयर का। उसमें सबसे पहली जो हमारी न्यूज़ है वो है कि पीएम मोदी मीट्स मालदीव प्रेसिडेंट इब्राहिम सोली एंड इंक सिक्स पैक्ट्स टू ब्रॉड बेस टाइज। अगर हम इस मीटिंग की बात करें तो ये मीटिंग के दौरान कई सारे एग्रीमेंट्स जो हैं वो साइन किए गए, ठीक है। उन एग्रीमेंट्स में मालदीव और इंडिया के रिलेशंस को कैसे स्ट्रॉन्ग बनाया जा सकता है, कैसे इंडिया की जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है उसमें मालदीव की मालदीव का स्थान है, उन सब पे एम्फेसिस दिया गया। हमारे एग्जाम पॉइंट्स अगर हम देखें तो पहला तो हमें प्रेसिडेंट का नाम पता चल गया, इब्राहिम सोली। दूसरा अगर हम ज्योग्राफिकल लोकेशन की बात करें तो आपको पता है कि ये रहा मालदीव, मालदीव अरेबियन सी के पास इधर है और इंडियन ओशन में है, ठीक है। मालदीव इंडियन ओशन में है, अरेबियन सी यहाँ पर है, बे ऑफ बंगाल यहाँ पर है, ठीक है। तो ये साउथ वेस्ट में है इंडिया के, मालदीव की लोकेशन, मालदीव की कैपिटल माले, ये भी पता होगा, ठीक है। दूसरा जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से वो है 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल क्या है, ये एक मैरीटाइम बाउंड्री है जो मालदीव और इंडिया के बीच में है, ठीक है। ये रहा मालदीव, यहाँ पे लक्षद्वीप है, ठीक है। तो मालदीव और इंडिया के बीच में ये 8 डिग्री चैनल है, ठीक है। ये सेपरेट करता है, ये 8 डिग्री चैनल सेपरेट करता है मिनिकॉय, मिनिकॉय और मालदीव को, ठीक है। बाकी अगर हम और आगे देखें तो नाइन डिग्री चैनल है जो सेपरेट करता है लक्षद्वीप में के जो मिनिकॉय आइलैंड है उसको मेन लक्षद्वीप से, ठीक है। और बाकी जो 10 डिग्री चैनल है वो अंडमान और निकोबार को सेपरेट करता है, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट चैनल है वो आप देख लीजिएगा, जब आप 8 डिग्री चैनल देख रहे हैं तो आप 9 डिग्री चैनल भी देखिएगा, साथ ही साथ 10 डिग्री भी देखिएगा, ठीक है। बाकी जो मालदीव के बारे में बात किया जाए तो ये ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, ठीक है। मालदीव जो है ग्रुप ऑफ आइलैंड है। इसके अलावा जो हमें अपने एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है, सिर्फ जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है हमारी मालदीव की वो ध्यान में रखनी है, ठीक है। और बाकी कैपिटल क्या है वो हमने बता दिया। तो ये सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है जो मालदीव से बन सकती थी वो मैंने बता दी है। यूएस ड्रोन स्ट्राइक से अयमन अलजवारी को मार दिया गया है। इस बात की पुष्टि वहाँ के प्रेसिडेंट जो बाइडन ने की है। जो बाइडन ने ये पुष्टि की है कि अयमन अलजवारी को ड्रोन स्ट्राइक में मार दिया गया है। अयमन अलजवारी अलकायदा से बिलोंग करते हैं और जो लीडर, ही वॉज द लीडर ऑफ किसके, अलकायदा के लीडर था जिसे मार दिया गया। और ये जो ऑपरेशन है वो किसके द्वारा चलाया गया, ये जो ड्रोन स्ट्राइक ऑपरेशन था वो चलाया गया था सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी के द्वारा। इस सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी ने ये ऑपरेशन चलाया था। जैसे ओसामा बिन लादेन जो मास्टरमाइंड था 9/11 अटैक का, उसे अमेरिका का मोस्ट वांटेड टेररिस्ट माना जाता था, उसे मार दिया गया था। इसके साथ ही साथ अल जवारी को भी मार दिया गया है। इसमें तो सिर्फ यही है कि यूएस के ड्रोन स्ट्राइक से किसको मार दिया गया है, अयमन अल जवारी, बाकी ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। आगे अगर हम देखें वो है डेज से रिलेटेड,
डेज जो पेपर हैं पिछले पेपर्स उसमें किसी ना किसी रूप में डेज को पूछा गया है, या तो सीधे डे ही पूछ लिया या फिर थीम भी पूछी गई है। तो ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं इससे, तो उसी हिसाब से हमें इसे तैयार करना है। तो अगस्त 1 जो है, 1 अगस्त, वो मुस्लिम वुमेन्स राइट डे के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो मुस्लिम महिला अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन ट्रिपल तलाक लॉ, जो ट्रिपल तलाक कानून है, वो इनेक्ट किया गया था। ट्रिपल तलाक लॉ, ट्रिपल तलाक लॉ, तलाक लॉ जो है वो इनेक्ट किया गया था। और दूसरी बात, ये कब से इम्प्लीमेंट होता है? अगस्त 1 2019 से इसका इम्प्लीमेंटेशन शुरू हुआ था, इसीलिए इस दिन को मुस्लिम विमेंस राइट डे के रूप में माना जाता है। इसके अंदर जो ट्रिपल तलाक की प्रैक्टिसेस हैं, वो भी इंस्टेंट ट्रिपल तलाक जो है, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक जो है, उसे क्रिमिनल ऑफेंस बना दिया गया। ठीक है, वो क्रिमिनल ऑफेंस है। और इसके अंडर मुस्लिम विमेंस, जो मुस्लिम महिलाएं हैं, उनको इस लॉ की वजह से वो क्या बनी है? आत्मनिर्भर। तो ये कदम उनकी आत्मनिर्भरता की ओर है, साथ ही साथ उनका स्वाभिमान और आत्मसम्मान को मजबूत किया है, स्वाभिमान और आत्मसम्मान को मजबूत किया है। तो हमें इसमें जो याद रखना है, वो सिर्फ ये याद रखना है कि अगस्त 1 जो है वो मुस्लिम महिला अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब अगर हम दूसरा देखें, दूसरा है नेशनल हैंडलूम डे, यानी कि राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, हैंडलूम हथकरघा, हथकरघा दिवस। एक तो इसकी डेट इम्पॉर्टेंट है, अगस्त 7, दूसरा इसकी थीम इम्पॉर्टेंट है। इसकी जो थीम है वो है हथकरघा, एक भारतीय विरासत है, हथकरघा एक भारतीय विरासत है, ये इसकी थीम है। बाकी जो नेशनल हैंडलूम डे है, वो जो सामाजिक और आर्थिक उपलब्धि है हथकरघा उद्योग की, उसको बढ़ाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। दूसरा ये कि इससे लोगों के बीच में अवेयरनेस क्रिएट होगी, अवेयरनेस क्रिएट होगी किसके बारे में? हथकरघा उद्योग के बारे में, हैंडलूम इंडस्ट्री के बारे में। ये जो नोडल एजेंसी है, जो इसे कंडक्ट मतलब जिसके अंदर यह हथकरघा उद्योग सब देखा जाता है, जो नोडल एजेंसी है वो है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, और वही इसके सेलिब्रेशन को कंडक्ट करती है। बाकी इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो हमको डे याद रखना है और थीम याद रखनी है, ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। हमारा वो है स्कीम्स और इवेंट्स। पहला जो हमारा उसमें है वो है कि जो हमारा संस्कृति मंत्रालय है, ठीक है, उसने आयोजित किया है तिरंगा उत्सव। पिंगली वेंकैया का जो योगदान है उसको मनाने के लिए, उसको सेलिब्रेट करने के लिए तिरंगा उत्सव मनाया गया था। उनकी 160th जो जयंती थी उसके अवसर में ये प्रोग्राम आयोजित किया गया था। इस प्रोग्राम को स्टार्ट करने वाले, जिन्होंने इस प्रोग्राम को लॉन्च किया, वो थे हमारे केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी,
तो हमारे गृह मंत्री ने इसे स्टार्ट किया। उनकी याद में डाक टिकट जारी किए गए, साथ ही साथ जो अमर चित्र कथा है उसका विमोचन किया गया। ये सारे के सारे चीज़ें इस उत्सव को मनाने के लिए किए गए। बाकी जो पिंगली पिंगली वेंकैया हैं वो इंडियन फ्रीडम फाइटर थे और महात्मा गांधी के बहुत बड़े अनुयायी थे। महात्मा गांधी के बहुत बड़े अनुयायी थे पिंगली वेंकैया। उन्होंने हमारे जो राष्ट्रीय ध्वज है, हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, इसको डिज़ाइन किया था, डिज़ाइन किया था, इसको डिज़ाइन किया था, ठीक है। तो इसी इन्हीं की याद में ये तिरंगा उत्सव मनाया गया था। अब हम अगर आगे देखें तो नेक्स्ट है कि गूगल ने इंडिया की उड़ान इनिशिएटिव लॉन्च किया है, इंडिया की उड़ान। तो हमें इसमें याद रखना है कि इसे किसने किया है, गूगल ने किया है, गूगल ने इसको लॉन्च किया है। और जो हमारी 75 साल का जो जश्न है, उसको मनाने के लिए ये जो इनिशिएटिव है ये किस लिए शुरू किया गया है, ये इसलिए शुरू किया गया है कि युवाओं को साथ में जोड़ा जा सके और उनके अंदर जो देशभक्ति की भावना है, देशभक्ति की भावना है, उसको जगाया जा सके, ठीक है। ये जो इंडिया की उड़ान इनिशिएटिव है ये आज़ादी का अमृत महोत्सव, आज़ादी का अमृत महोत्सव का पाठ है, अमृत महोत्सव का पाठ है। बाकी जो इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इसका थीम अगर वो पूछ ले तो इस प्रोजेक्ट का जो थीम है वो बेसिकली सिर्फ यही था कि जो अनडाइंग स्पिरिट है इंडिया की ओवर द 75 ईयर्स, ठीक है, अनवेवरिंग एंड अनडाइंग स्पिरिट ऑफ इंडिया ओवर द पास्ट 75 ईयर्स, ये इसकी थीम है, ठीक है। जो मेन चीज़ हमें याद रखनी है वो ये है कि गूगल ने स्टार्ट किया था और गूगल के साथ और कौन था, वो था हमारा संस्कृति मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने मिलकर ये इनिशिएटिव शुरू किया है, किया था, ठीक है। तो ये हमको इस अफेयर है वो भी सिमिलर है, आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत बड़े चलो मूवमेंट स्टार्ट किया गया। बड़े चलो मूवमेंट जो है युवाओं के अंदर देशभक्ति क्रिएट करने के लिए ये पर्टिकुलर मूवमेंट स्टार्ट किया गया। और इसमें इस अभियान को शुरू किसने किया था, ये हमारी संस्कृति मंत्रालय द्वारा ये पर्टिकुलर इवेंट लॉन्च किया गया। और इसका एम था कि जो भारत के युवा हैं उन्हें कनेक्ट किया जा सके, उनके अंदर देशभक्ति की भावना को जागरूक किया जा सके, साथ ही साथ ये जो है हमारा 75 साल जो पूरे होने वाले थे उनको सेलिब्रेट करने के लिए भी था। हालांकि ये जो है वो पुराना हो गया है, पर आप याद रखिएगा कि बड़े चलो मूवमेंट किससे रिलेटेड है, ठीक है। बड़े चलो मूवमेंट हमारे 75 साल के जश्न को सेलिब्रेट करने के लिए है और युवाओं के अंदर, बेसिकली युवाओं के अंदर पैट्रियोटिज्म यानी देशभक्ति की भावना को उजागर करने के लिए ये पर्टिकुलर मूवमेंट था। इसमें ज़्यादा कुछ हमें याद नहीं रखना। आगे अगर हम बढ़े तो आगे है मार्केट लिंकेज स्कीम, परवास जो है, सबसे पहली बात तो ये याद रखना है इसमें कि ये स्कीम जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। तो इसे लॉन्च करने वाली गवर्नमेंट कौन सी है, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, वहाँ लॉन्च किया गया है। और क्यों लॉन्च किया गया है, ये जो इनोवेटिव स्कीम है ये जम्मू और कश्मीर के जो किसान हैं
किसान उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए है, ठीक है। जो उनकी इकोनॉमिक कंडीशन है उनको उसको अपलिफ्ट करने के लिए, सुधारने के लिए ये पर्टिकुलर स्कीम है। इस स्कीम के अंतर्गत एक मार्केट लिंकेज यानी बाजार लिंकेज सपोर्ट स्टैब्लिश किया जाएगा। किस चीज़ के लिए? शिपमेंट के लिए, शिपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर जो पेरिशेबल आइटम्स हैं उनके लिए, उनकी शिपमेंट के लिए एक सपोर्ट लिंकेज स्टैब्लिश किया जाएगा। इस स्कीम के अंतर्गत गवर्नमेंट 25% सब्सिडी देगी, 25% सब्सिडी वो माल की ढुलाई के लिए, मतलब फ्राइट चार्जेस, जो माल की ढुलाई है उसके लिए वो 25% सब्सिडी देगी, ठीक है। बाकी सिर्फ हमको इसमें जो दो तीन चीज़ें याद रखनी है कि ये स्कीम किस पर्टिकुलर स्टेट से रिलेटेड है, वो है जम्मू एंड कश्मीर से, और ये एक मार्केट लिंकेज स्कीम है जो शिपमेंट वगैरह में हेल्प करेगी, जो फार्मर्स हैं वहाँ के उनको, ये फार्मर्स के लिए है ये, और याद रखिएगा जम्मू कश्मीर के। अगर हम नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ पढ़ें तो नेक्स्ट करंट अफेयर हमारा है कि न्यू स्कीम लॉन्च्ड टू ऑगमेंट रिसर्च कैपेबिलिटीज इन द स्टेट यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेज सर्ब श्योर। पहले तो सर्ब श्योर की फुल फॉर्म क्या है? सर्ब श्योर जो है वो है साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड। स्टेट यूनिवर्सिटी रिसर्च एक्सीलेंस, तो ये इसकी फुल फॉर्म है। ये स्कीम जो है वो लॉन्च की गई है किस लिए? कि जो रिसर्च कैपेबिलिटीज हैं, ठीक है, उनको इंक्रीज किया जा सके। बाकी पावरफुल रिसर्च एंड डेवलपमेंट इकोसिस्टम तैयार किया जा सके। कहाँ पर? स्टेट और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के अंदर। ये पर्टिकुलर स्कीम जो है, ये स्कीम डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक के अंडर है। दूसरा, ये रिसर्च को एनकरेज करने के लिए है स्टेट और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, ठीक है। जो मेन स्ट्रीम रिसर्च है, ठीक है, उसमें हेल्प करने के लिए है ये। बाकी जो हमें सिर्फ याद रखना है वो सिर्फ ये याद रखना है कि सर्ब श्योर स्पेसिफिकली है किस चीज़ के लिए, ठीक है। जो स्टेट और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें रिसर्च को प्रमोट करने के लिए ये पर्टिकुलर स्कीम है। बाकी इसमें कुछ ज़्यादा और है नहीं। अब हम आगे बढ़े, सेक्शन है वो है स्पोर्ट्स से रिलेटेड, खेल कूद से रिलेटेड हमारा लास्ट सेक्शन है। इसमें हमारी जो पहली न्यूज़ है वो है कि सेरेना विलियम्स ने अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है टेनिस से, ठीक है। सेरेना विलियम्स ने ये कब किया? ये 9 अगस्त 2022 को उन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया है, ठीक है। ये उन्होंने US ओपन का जो अपना इवेंट है उसके बाद किया।
तो हमें सिर्फ जो उसमें मेन चीज़ याद रखनी है कि सेरेना विलियम्स किस खेल से रिलेटेड हैं, वो टेनिस से रिलेटेड है, ठीक है। टेनिस की आइकॉनिक स्टार है वो, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर चीज़ हमें इस में याद रखनी है। जो हमारा अब जो हमारा आखिरी करंट अफेयर है वो है कॉमनवेल्थ गेम 2022। हालांकि ये जो टॉपिक है वो इट्सेल्फ अकेले में डिस्कस करा जाना चाहिए, तो यहाँ पर सिर्फ जो ऊपर ऊपर के पॉइंट्स हैं वो हम बता देते हैं, बाकी इस टॉपिक को हम बहुत डिटेल्ड में किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहला तो यही कि ये जो इवेंट है कॉमनवेल्थ 2022, बर्मिंघम कॉमनवेल्थ 2022, ये जुलाई 28 से लेकर अगस्त 8 तक चला। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़, इंडिया का इसमें चौथा स्थान रहा। तीसरी, इंडिया ने कुल मिलाकर 61 मेडल्स जीते, जिसमें से 22 गोल्ड हैं, 16 सिल्वर हैं और 23 ब्रॉन्ज हैं, कुल मिलाकर 61 मेडल्स। ये अब तक की भारत की अपने आप में ही 5वीं बेस्ट परफॉर्मेंस है, और सबसे जो बेस्ट परफॉर्मेंस है वो भारत ने 2010 में दी थी, जिसमें उसने 101 मेडल्स जीते थे, ठीक है। बाकी किसने कितने मेडल्स जीते, कितने जो मेन इवेंट्स के विनर हैं, उन सबको हम आराम से किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। औपचारिक रूप से जो 2026 का 2026 की जो मेज़बानी करेगा वो ऑस्ट्रेलिया करेगा, विक्टोरिया, विक्टोरिया में होंगे। और इस पूरे इवेंट में अगर आप देखें ध्यान से टेली में, तो ऑस्ट्रेलिया ने सबसे ज़्यादा 178 सबसे ज़्यादा मेडल लिए हैं, और वो फर्स्ट रैंक पर है। तो यानी ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट रैंक पर है, सेकंड पर इंग्लैंड है, थर्ड पर कनाडा है, एंड देन फिर इंडिया है, ठीक है। टोटल 72 जो देश हैं वो शामिल हुए हैं इस इवेंट में। तो ये कुछ ऊपर ऊपर की इंफॉर्मेशन है जो हमने डिस्कस की। बाकी जो भी डिटेल्ड एनालिसिस है वो हम किसी और जो सेपरेट वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।